नमस्कार दोस्तों तो ये जो थर्टी फोर ट्रिलियन रुपीज़ का इंडिया में लिथियम आई जो बैटरीज बनती है आपको पता है लिथियम मटेरियल यूज होता है उसमें इसमें जो लॉटरी लगी है आपको पता होना चाहिए आर्ट स्टॉक ऐसे हैं जो कि बहुत 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 पैसा कमा सकते हैं आने वाले टाइम में अगर गवर्नमेंट ढंग से यूज करे इस, इसका तो जम्मू कश्मीर में लाए सबको मिला सब ये पता है कि सबको पता है कि ये इतना बड़ा अमाउंट का लिथियम का भंडार इंडिया के अंदर मिला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ई के लिए लिथियम एक तरह से ऑक्सीजन की तरह है तो देखिए अगर टू व्हीलर की बात करी जाए तो आपको टीवीएस और हीरो जैसी कंपनी इन पर ध्यान रखना है अगर ईवी में इन्हें आगे बढ़ना है अगर ये भंडार यूज होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मुझसे कोई पूछे फोर व्हीलर में टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इन दो कंपनीज के लिए टीवीएस हीरो और बजाज तीन टू व्हीलर दो आपके फोर व्हीलर अगर किसी और को चाहिए तो देखिए कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं दो थोड़े से वॉलेट हैं जैसे ग्रीस कॉटन है जिसके लिए बहुत अच्छा हो सकता है मिंडा जो कि ऑटो पार्ट्स बनाता है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कंपनीज़ इसके अलावा टाटा पावर ई चार्जिंग स्टेशनस लगेंगे इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है तो आपको डिवीज़न करके बताऊंगा कि कौन सी आर्ट कंपनीज़ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है और स्टडी ज़रूर करना चाहिए आपको उन आर्ट कंपनीज़ को एटलीस्ट वो आर्ट कंपनीज़ को वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा टाटा एलेक्सी वन ऑफ द कंपनीज़ हो सकती है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं और केपीआईटी अगर मैं कहूँ सॉफ्टवेयर की तो बहुत इंपॉर्टेंस है ईवी में वैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा बहुत इंपॉर्टेंट है महिंद्रा एंड महिंद्रा टाटा मोटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आने वाले टाइम में इंडिया के लिए भी अगर बात की जाए तो फिर आपको पता ही है टाटा गलेक्सी और के भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर सॉफ्टवेयर के आस्पेक्ट से देखा जाए अगर केमिकल के आस्पेक्ट से देखा जाए तो आपको पता होना चाहिए टाटा केमिकल्स ग्रीवस कॉटन ऐसी कंपनीज़ पर आपको नजर रखनी चाहिए वरना टाटा पावर जे एस एनर्जी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले आने वाले टाइम में तो ये आर्ट स्टोक्स ध्यान रखिए इनको स्टडी जरूर कीजिएगा और स्टडी करने के बाद इन्वेस्ट कीजिएगा प्लीज स्टडी जरूर कीजिएगा धन्यवाद थैंक यू वेरी मच